हम लोगों ने अभी जो है मिठाई इनको दी है, तो ये लोग मिठाई खा रहे हैं। ले भाई ये खाओ, वन टू ये खाओ, आप ये खाओ, शाबाश। देखिए कितने अच्छे से शौक से खा रहे हैं। मेरे पास एक मिठाई आई थी तो मैंने जो है इनके पूरे पीस कर करके इनको दे दिए, और हमारी अंजल भी खा रही है और ये लोग भी खा रहा है। तो ये सर दूध की बनी रहती है, वैसे तो ऐसे कोई हार्म नहीं। मेरे उंगली नहीं चाटो भाई, ये खाओ मिठाई खाओ। तुम खुश नसीब बिल्ली हो जो मिठाई खा रही हो। देखो इसको, देखो कितनी अच्छे से खा रही है। बस भाई बस, पूरा ही खा जाएगी क्या? हमारी अंजल जो काफ़ी ज़्यादा हीट पर आ चुकी है, और हमारे जो हमारा नया नाम रखा हमने इनको मोंटू भाई साहब, ये बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। उसका एक रीज़न ये हो सकता है क्योंकि इन्होंने अभी जो है मैटिंग की है इस फीमेल के साथ, यानी हमारी हीर के साथ, और इस वजह से जो है ये अभी इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं ले रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा शाह है और बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, और ये जो है हमारी प्यारी सी एंजल है। होपफुली कि यार ये थोड़े टाइम में इन दोनों की मैटिंग भी हो जाए, ताकि ये क्या रहता है, ये जब तक के मैटिंग नहीं होती ना तो ये परेशान रहते हैं। अभी आप देखिए जैसे ये बिल्कुल जैसे डांस कर रही है, जैसे अपने डांस करते हैं ना अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये देखिए इसको। तो मैंने जो है इन दोनों को ही करा हुआ है, बाकी बच्चों को और इन सबको जो है केज के अंदर डाला हुआ है। तो बहुत से लोग हमसे कहते थे भाई आप ओवर ब्रीडिंग कराते हो, ये कराते हो। नहीं भाई, हम लोग कभी भी जो है ओवर ब्रीडिंग नहीं करा सकते, चाहकर भी। देखिए जैसे ये देखिए, ये जैसे आगे आगे बढ़ रही है इसके पास जाने का, ये देखिए ये अट्रैक्ट करने का इनका रहता है। हम कभी भी ओवर ब्रीडिंग नहीं करा सकते, जब तक के कैट खुद ना चाहे ना तब तक के जो है ये ब्रीडिंग नहीं हो सकती। ये बकरा या बकरी ऐसे कुछ चीज़ नहीं है। तो इस चीज़ का देखिए, अब ये खुद ब खुद वहाँ जा रही है, खुद ब खुद उसे अट्रैक्ट करना चाह रही है। तो ये इनकी जो है एक कहा जाए तो प्यार करने का तरीका होता है, या अपने मेल को अट्रैक्ट करने का तरीका होता है। ये देखिए आप, फ्रेंड्स, ए मोंटू मोंटू, ये मोंटू देखिए बाहर देखने में लगे। बेटा बाहर नहीं देखना, मेरे बच्चे इधर देखो। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये हीट पर है, और मेल उसमें बिल्कुल भी अभी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। और उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि मैंने आपको जैसे कि बताया इसने अभी मेटिंग की है, तो और ये जल्दी जल्दी भी मैटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई दफ़ा पर क्या होता है क्वालिटी बच्चे की हल्की हो जाती है, या तो फिर मेल को भी डैमेज हो सकता है। तो इसलिए ये देखिए अभी फीमेल फिर उसके तरफ। तो मैं बस आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि कुल मिलाकर इस तरीके की जो होती है ब्रीडिंग, ये ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से चलते हैं, किसी के हिसाब से नहीं चलते हैं। ये देखिए अभी जो है हमारी केट की मैटिंग सक्सेस हो गई है। ये जो दोनों है ना मैटिंग कर रहे थे, तो ये देखिए अभी मैटिंग करने के बाद ऐसी लोट लगाती है। ये देखिए ये सब जो चीज़ मैं आपसे शेयर करने का वजह सिर्फ ये है कि आप लोग जो है इस चीज़ का ध्यान रखिए। बहुत से लोग डर जाते हैं कि यार ये कैट्स को क्या हो गया, ये नहीं हो गया। नहीं, ये जब मैटिंग करते हैं तो ये इस तरीके से इनका रिएक्शन होता है। तो अभी जब मैं आया था, जब ये मैटिंग कर रहे थे, और फिर मैंने सोचा आप लोगों को वीडियो दिखाऊँ, तब तक इनकी वीडियो सक्सेस भी हो गई। मैटिंग होने के बाद ये एकदम ज़ोर से चिल्लाती है, और फिर मतलब ये होता है रिएक्शन इनका कि ये मैटिंग सक्सेस हो गई। हाय, दिस इज़ नवाब एंड वेलकम टू पैराडाइज ऑफ पेट्स। तो आज की ब्लॉगिंग के अंदर हम लोग हमारी सबसे पहले तो कैट्स को उनकी डाइट दी है, अब जो है हम लोग हमारे कॉकटेल को उनकी डाइट देंगे, और उसके बाद हम हमारे मिनी जू में यानी ऊपर जाएंगे और वहाँ पर उन लोगों को भी उनकी डाइट देंगे। ए मेरी जान, ए मेरी स्वीट हार्ट, मेरी डार्कलिंग, कैसी हो आप? आपको अब कितना अच्छा लग रहा है ना, आपको बहुत ही सफाई में रहने के आपको शौकीन हो ना, तो आपको देखो कितना साफ करते। देखिए मैंने अभी ना कितना ज़्यादा साफ कर दिया है माशाल्लाह, और हमारे सब किसी सो रहा है, ये भी सो रहा है। ए भाई क्या क्या आतंक मचा रखा, इसको हम लोगों ने ये केज में शिफ्ट कर दिया और इसको भी कर दिया। इतनी ज़्यादा मेहनत लगी है, 2 घंटे तकरीबन मैंने मुसलसल मेहनत करी है, तब जाकर रिजल्ट कुछ ऐसा है। इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई थी, आपने देखा था ना अभी मैं थोड़ी देर जब पहले जब इसको दाना डालने आया था, यहाँ कितनी गंदगी थी। ये साफ़ करी, ये साफ़ करी, ये साफ़ करी, ये पूरा साफ़ करा, धो दिया एकदम, यहाँ पर जो गंदगी थी वो धो दी। अब देखो माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, अब दिल भी लग रहा है ना यार कि हाँ यार कोई चीज़ है अपने पास। और हम लोगों ने क्या किया, ये मेरी मम्मी का आइडिया था, उन्होंने बोला कि ईट रख, ईट के ऊपर पिंजरे को रख, तो क्या होगा कि तुझे बार बार जो है पिंजरे को इधर से उधर करना नहीं पड़ेगा, वॉश करना है तो डायरेक्ट पानी नीचे डाले और हो जाएगा। तो ये कुछ हमारे जो है ना ब्यूटीफुल से कैजेस हो गए। अब यहाँ पर भी एक केज और आ जाएगा हमारी कैट का, फिर जो है हमारा ये पूरा एक जैसा लगने लगेगा। और हमारे रोमियो को अभी हमने यहाँ पर शिफ्ट किया है, अभी हम ये चेक कर रहे हैं कि अभी कहीं इस चीज़ से बाहर तो ना निकल जाए। अगर ये नहीं निकलेगा और अच्छे से रहेगा तो फिर जो है इसको यहीं पर हम परमानेंट शिफ्ट करके इसका केज इधर शिफ्ट कर देंगे। लेकिन आप देखो ना यार मेहनत कितनी ज़्यादा रंग लाई है, कितना ज़्यादा साफ़ सुथरा लग रहा है, और फिनाइल डाल के हमने धोया है ना तो खुशबू भी आ रही है। और ये देखो अभी रात के जैसे इनको रात हो रही है, देखो किसी आराम से सो रहे हैं सबके सब। और ये जो है ना ये कभी भी केज में नहीं रहती, ये बादशाह है, मतलब कहते हैं ना महारानी हमारी प्यारी सी,
और ये साफ सफाई भी रहती है। ये लोग ना हीर वगैरह ये लोग गंदगी कर देते हैं, बट ये कभी नहीं करती। तो ये देखो यहाँ पर पूरा साफ सुथरा, देखो कितना एकदम शानदार लग रहा है यार। मेरा तो दिल हो रहा है कि मैं यहाँ लौट जाऊँ, और लौट भी जाऊँगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, मज़ा ही आएगा, क्योंकि यहाँ सब साफ सफाई मैंने ही करी है ना भाई। इसलिए यार तुम्हारा भाई कोई भी काम अच्छा ही करता है। और इसको साफ करने के बाद तुम्हारे भाई ने खुद को भी साफ करा, देखो हाँ लग रहा हो ना स्मार्ट। तो ये अभी देखो मेरे ये सब लोग तो रेस्ट कर लेंगे, अब जो है मैं थोड़ा रेस्ट करूँगा क्योंकि थक गया हूँ, नहाया धोया हूँ, अब जो है खाना वाना खा के अब सोऊंगा, फिर जो है हम आपको ऊपर जाके ब्लॉग दिखाएंगे। मैं आज जाके यार उनको दाना पानी तो कराया था, क्योंकि मैंने सोचा यार वीडियो बनाने के चक्कर में उन लोगों बेचारों को भूखा नहीं डालता। ओ भाई क्या आवाज़ कर रही है गाड़ी भयंकर, आया भूसा की फीलिंग आ गई उसको देखकर। तो कुल मिलाकर जो है हमारा पूरा आज का काम कंप्लीट हो गया है, बस ऊपर अभी हम जाएंगे, ऊपर भी थोड़ा बहुत साफ़ करके आया था। तो अब जो है मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, फिर आपके मिलूँगा, ठीक है? कहीं जाना मत, ब्लॉग देखते रहो। ओ भाई साहब यहाँ तो पानी इतना ज़्यादा तेज़ आ रहा है ना। और भाई क्या हाल है, क्या हाल है? अरे यार तुम बाहर आके क्या करोगे, पानी तो बहुत तेज़ आ रहा है, नहीं हो रहा तुम, ठीक है? अभी तो मैं नहीं खोल रहा हूँ। ये भैया मुर्गी वगैरह भी, मुर्गियों के हाल भी देखने अपन क्या है, ये भी ठीक है। अभी देखो मुझे देखकर ना सब लोग फड़फड़ाने लग गए कि भाई मुझे खाना मिलने वाला है, तो रुको अब मैं इनको फटाफट से खाना देता हूँ। देखिए हमने जो है यहाँ पर जितने गंदगी थी सबको पूरी अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया है, धो दिया है, और हमारे जितने भी नए बर्ड्स थे उन लोगों को भी पानी रख दिया है, और हमारी जो है जितनी हैन वगैरह थी उन लोगों को भी पानी रख दिया है, इनको भी कैल्शियम का पानी रख दिया, हमारे जो है पिजन्स को भी पानी रख दिया है। तो अभी जो है ऊपर का सारा काम कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं हमारी कैट्स की तरफ। हम पहुंच गए हमारे पिजन लॉफ्ट के अंदर, और हमारे ये अमेरिकन भाई माशाल्लाह क्या प्यारे लग रहे हो, हमारे ब्लैक अमेरिकन और ये अमेरिकन अभी हैं, और हमारे रैबिट जो है इधर, हटो रैबिट भाई, रैबिट भाई, रैबिट भाई, रैबिट भाई, इधर इधर इधर, रैबिट भाई, रैबिट भाई दूसरों को नहीं खाने दे, इधर 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 रैबिट, देखो 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 रैबिट सब उधर घुस गए। ए भाई, ए भाई इधर इधर इधर, ये तुम्हारी, ये तुम्हारी जगह, ए भाई ये तुम्हारी जगह, अरे इधर इधर यार देखो ये रैबिट ना बड़े खतरनाक है, ये देखो फेंक दिया, चलो चलो इधर से उधर चलो, मैं तुमको पिजन लॉफ्ट से निकालने वाला हूँ, ठीक है? बहुत तुम्हारा हो गया है, गंदगी मचाते हो तुम, इसमें से नहीं खाना, चलो उधर जाओ, तुमको डाला तो है मेरे इधर, हाँ नहीं तो परेशान किया करते हो यार। देखो हमारे सभी कबूतर तो अभी यहाँ पर खाना खा रहे, अब बारी है बेचारे इन सभी की, तो इनको भी डाइट देता हूँ। रुक जाओ भाई रुक जाओ, सबर कर ले, सबर का फल जो है ना बाजरा और मक्का होती है, ठीक है? शांत रहने का बिल्कुल। देखो उसने अभी जो है ना इंशाल्लाह बहुत जल्द ब्रीडिंग करने वाले हैं। यार तुम मुझे क्यों काटते हो, मुझे क्यों काटते हो, चलो जाओ मेरे को सुकून से डाल दो, इतना ज़्यादा बहराते हैं खाने के लिए कि पूछो मत। तो हमारे जो चिकन थे ना वो माशाल्लाह सब काफ़ी अच्छे, ओ भाई ये देखो मेरे पैर में आ जाते, और फिर बोलते हैं कि मैंने मारा, तुम अपनी हरकतें नहीं देखते हो ना, इतनी ज़्यादा यार ये ना जल्दबाजी करते हैं ना कि पूछो नहीं। और अंडे तो दे नहीं रही हो तुम, किस बात की तुम मुर्गी हो बताओ, तुम सच्ची तो हमारी वो मुर्गी है, और तुमने यहाँ की भी ईट खा ली यार। वाह भाई साहब देखो कितना ज़्यादा गड्ढा कर दिया, पूरी पूरी खा जाओ तुम, मतलब मुझे तो सही में भी जानवर ही लग रही हो, इतनी खतरनाक तो हमने अभी तक नहीं देखी भाई मुर्गी। अरे बच्चों को तो छोड़ दे भाई, देखो कितना ज़्यादा ना ये नुकसान कर देती है यार ये मुर्गी। अभी हम लोगों ने क्या क्या, हमारी हैन को तो वहीं दे दिया और हमारी डक्स को बाहर दे दिया, क्योंकि ये तो इनको तो प्रॉब्लम नहीं होती बाजी से, लेकिन इन लोगों को बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए हम रिस्क बिल्कुल नहीं लेंगे और इन लोगों को यहाँ पर ही डाइट दे देंगे। तो मतलब आज का जो है इनका पूरा जो है तो मतलब डाइट का और सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। चलिए दोस्तों ये थी आज की हमारी अपडेट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी अपडेट्स पसंद नहीं होगी, पसंद नहीं हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल पर पेट्स को सब्सक्राइब करिएगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।